दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक विलन रिटर्न फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट के बारे में। पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने बोला कि दोस्तों ये हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी। पता नहीं उन्हें वो क्लैरिफिकेशन ऑफिशियली कहाँ से मिला है, क्योंकि दोस्तों नेटफ्लिक्स ने अब तक ऑफिशियली नहीं बोला है कि हमें मेरे पास है इसके ऑफिशियल राइट्स। ऐसा तो उन्होंने बोला ही नहीं है। पहले बात चल रही थी कि अमेजन प्राइम पर देखने को मिलेंगी। दोस्तों अभी भी क्लैरिफिकेशन मिला है नहीं क्या इसकी ओटीटी रिलीज डेट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों फिल्म जो है वो 29 जुलाई को रिलीज हुई थी थिएटर में। फिल्म का बजट 60 करोड़ का था। फिल्म ने लगभग 40 से 45 करोड़ का बिजनेस किया है, मतलब ठीक ठाक सा बिजनेस किया है। फ्लॉप ही रही वैसे फिल्म, फिर भी दोस्तों ठीक ठाक सा कलेक्शन किया है। बात करें रिलीज डेट के बारे में, दोस्तों फिलहाल ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जहाँ तक कि फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिले, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती है तो नेटफ्लिक्स पर पहले जो है वो HIT यानी कि हिट द फर्स्ट केस फिल्म रिलीज होने वाली, जो कि राजकुमार राव की थी। उसके बाद ये फिल्म हमें फिर OTT पर देखने को मिलेंगी। उसकी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो फिल्म को अभी आने में थोड़ा टाइम है। उसके बाद मतलब दोस्तों हमें काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक दोस्तों फिल्म जो है वो आपको 2 सितंबर के अराउंड फिल्म जो है OTT पर देखने को मिल जाएंगी। फिर भी OTT प्लेटफॉर्म अमेजोन है कि नेटफ्लिक्स ऑफिशियली कन्फर्म होने का है। 2 सितंबर के अराउंड ये फिल्म जो है वो आपको OTT पर देखने को मिल सकती है। बहुत लोग ऐसे जुगाड़ करके देखते हैं तो उन लोगों को OTT प्लेटफॉर्म से फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों आप बताओ, आपने फिल्म थिएटर में देखी थी या कैसी लगी, बुरी लगी, कमेंट में बताओ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।